सुबह सुबह दूध और बिस्कुट खाने के बाद मैं अपने ट्रक वाली साइड पे जा रहा था। मेरा ट्रक वाला बिजनेस जिसे मैं पिछले 2 महीने से चला रहा हूँ अब वो काफी ज्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है और मैंने अब खुद की ट्रांसपोर्ट एजेंसी बना ली है। और जैसे ही मेरे पास पैसा आना शुरू हुआ तो मैंने अपने आने जाने के लिए अपनी हीरो स्प्लेंडर को वापस खरीद लिया। मेरी एजेंसी लगभग घर से 15 मिनट ही दूर है और 15 मिनट ड्राइव करने के बाद मैं फाइनली अपनी एजेंसी में पहुंच जाता हूँ जहाँ पे आज भी काफी ज्यादा बिजी डे चल रहा था। क्योंकि शहर के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं उनके लिए सामान ट्रांसपोर्ट करूँ तो मैंने काफी सारे ट्रक खरीद लिए। टाटा से लेकर महिंद्रा के ट्रक मैंने सारे के सारे अपने एजेंसी के लिए खरीद लिए थे। और इतना ही नहीं, मैंने हर एक ट्रक के लिए एक एक ड्राइवर को भी हायर कर दिया था। मैं अपनी एजेंसी में सिटी के बेस्ट ट्रक ड्राइवर को जोड़ रहा था ताकि जिस तरीके से मैं अपनी 407 से डिलीवरी करता था वो लोग भी इसी तरीके से सेम डिलीवरी टाइम पे कर पाए। स्कोर क्या हुआ है? ओ भाई देखो ध्यान से, सीमेंट के बोरा मनीष नगर ही पहुंचने चाहिए। और मेरा काम तो बस इतना रह गया था कि मैं कस्टमर के कॉल रिसीव करूं और डिलीवरी का टाइम शेड्यूल फिक्स कर दूं। बाकी सारा डिलीवरी का प्रोसेस हमारी होना ड्राइवर कर लेते हैं और मैं हूं सबका बॉस। और क्योंकि हमारी इस एजेंसी की शुरुआत टाटा 407 से हुई थी इसलिए मैंने इस ट्रक को अपनी एजेंसी के बिल्कुल सामने खड़ा किया हुआ है। मैंने भले ही इसे 2 महीने से चलाया नहीं हो लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने अपने लिए एक मैनेजर भी हायर किया है जो पैसों और डिलीवरी का सारा हिसाब रखता है। तो सर आज 3 डिलीवरी आई है। कब और कहां करने हैं जल्दी बताओ, मैं ड्राइवर्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सर कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान है जिसे बेसा पहुँचाना है। ठीक है, और बाकी पेपर्स के रोल पिकअप करके पेपर मिल में पहुंचाने का है और ये काम 1 बजे तक हो जाना चाहिए ऐसा बोल रहे कस्टमर। ये बात सुनते मैं बोलता हूँ कि अभी 9:30 बज रहे तो अपने पास बहुत टाइम है, फटाफट 3 ड्राइवर का इंतजाम करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप IPL देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी सारे प्राइजेस भी जीतो, वो भी सिर्फ lotus365.in पे। यहां बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जैसे हु विल विन द मैच और हु विल विन द टॉस जैसे 50+ तरह के क्वेश्चंस में अपना ओपिनियन बता के आप काफी सारे प्राइजेस जीत सकते हो। lotus365 पे जाकर रजिस्टर कीजिए और पाइए ₹365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24-hour कस्टमर सपोर्ट और साथ ही साथ यहाँ खेलते हैं 10 million+ से ज्यादा यूजर्स। नहीं, यहाँ क्रिकेट के अलावा है 200+ क्वेश्चन जहाँ आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब ट्रक्स के निकलने का टाइम आ गया था और हम लोग सामान की चेकिंग कर रहे थे और जब सामान हमें क्लियर लगा तब उसके बाद ऑल क्लियर। और इतना सुनते ही हमारे सारे ट्रक्स एक एक करके डिलीवरी के लिए रवाना होना शुरू हो जाते हैं। और मेरा काम तो बस इतना है कि मैं देखूं कि ये सब सही से कर रहे हैं या फिर नहीं। अभी तक हम 1000+ डिलीवरीज कर चुके हैं वो भी बिना किसी एरर के, तो लोग हम पे काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। आज सुबह की पहली वाली ट्रिप निकल चुकी थी और उसके बाद फिर मैनेजर मुझे बोलने लगता है, सर हमें 16 चक्के वाले ट्रक सेगमेंट पे भी फोकस करना चाहिए, उसकी भी हमें काफी डिमांड आ रही है। ये सुन के मैं मैनेजर को बोलता हूँ कि एक अच्छा आइडिया हो सकता है ये, और फिर मैं उसे बोलता हूँ कि कल जितना भी कैश जमा हुआ था वो मुझे लाके दे दो। तो मैनेजर बोलता है श्योर सर अभी ले आता हूँ। और फिर उसके बाद मैनेजर अंदर जाता है और वो सारा के सारा कैश जो कल जमा हुआ था वो अपने एक बैग में लेके मुझे आके दे देता है। मैं उसे थैंक यू बोल के वहाँ से निकल जाता हूँ और मेरा काम यहाँ पे हो गया था। फिर मैं अपने बाइक पे बैठता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और अपनी एजेंसी से निकल जाता हूँ। और अगर बात की जाए मेरे कमाई की तो इतने सारे ट्रक को ओन करने के बाद मैं फाइनली 30-40 लाख रुपए डे के हिसाब से कमा रहा था। प्रॉफिट देखा जाए तो मेरे हाथ में आराम से 20 लाख रुपए आ रहे थे, लेकिन अभी भी ऐसे काफी सारे काम थे जो कि अधूरे थे और उन्हें मैं आज पूरा करने वाला था। और फिर मैं पहुंच जाता हूँ सीधा शहर के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर के पास। अब मैंने जो अपना घर गिरवी रखा था वो तो मैंने वापस ले लिया था, पर लेकिन मुझे अब नया और बड़ा घर खरीदना था अपने लिए जो कि ये डीलर मुझे आराम से दिलवा सकता था। वहाँ पहुंचते ही मैं सीधा इसके ऑफिस के अंदर जाता हूँ और फिर वो मुझे बोलने लगता है, अरे सर गुड मॉर्निंग, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। मैं उसे बोलता हूँ कि मुझे एक बढ़िया सा घर दिखाओ जिसके अंदर स्विमिंग पूल हो, बालकनी व्यू अच्छा आना चाहिए, बहुत सारी रोशनी हो और सबसे बड़ी बात उसके अंदर लग्जरी फीलिंग आनी चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद वो प्रॉपर्टी डीलर बोलने लगता है, ओके सर बिल्कुल मिल जाएंगे, ऐसे 3-4 घर मेरी नजर में हैं और अगर आप चाहते हैं तो मैं सारे के सारे घर अभी आपको दिखा सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद मैं उसे बोलता हूँ कि क्या हम घर मेरी बाइक पे देखने के लिए चल सकते हैं, तो वो इस बात के लिए मान जाता है और फिर हम दोनों मिलकर अपनी बाइक पे बैठते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं घर देखने के लिए। वो प्रॉपर्टी डीलर मुझे सबसे पहले नंगा पुतला चौक चलने को बोलता है, वहीं पे सबसे पहला घर हम देखने वाले थे। 10 मिनट तक ड्राइव करने के बाद फाइनली हम उस घर में पहुंच जाते हैं और फिर वो डीलर बोलने लगता है, देखिए सर ये रहा वो पहला घर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये घर मुझे पसंद तो आया था लेकिन इसके आजू-बाजू ट्रैफिक का काफी शोर शराबा था, तो इस घर के लिए मेरी तरफ से ना थी और हम दूसरा घर देखने के लिए फिर निकल पड़े। फिर और 10 मिनट ड्राइव करने के बाद हमने प्रताप नगर के घर को देखा लेकिन वो मुझे थोड़ा छोटा फील हुआ इसलिए मैंने इस घर को भी रिजेक्ट कर दिया और हम अगला घर ढूंढने निकल पड़े। अब हम थोड़ा वेस्ट साइड की तरफ आ गए थे और यहाँ पे मुझे एक घर पसंद आया जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था और दिखने में काफी शानदार, लेकिन इस घर के अंदर स्विमिंग पूल नहीं था जिसकी वजह से इस घर को भी मुझे रिजेक्ट करना पड़ता है।
पर फाइनली 2 घंटे और 6 घरों को देखने के बाद मुझे वो घर मिल जाता है जिस घर की तलाश में मैं था। इस घर को देख के मुझे कुछ कुछ याद आने लगा और मुझे लगा अब यही घर मुझे लेना चाहिए। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर बोलता है कि सर आइए अंदर, मैं आपको इसका टूर करा देता हूँ। और फिर वो घर के अंदर चले जाता है, मैं भी उसके पीछे पीछे चल जाता हूँ और घर के अंदर आ जाता हूँ। और इस घर को अंदर से देखने के बाद मेरे होश ही उड़ गए थे। इस घर के अंदर हर वो सुख सुविधा थी जो मुझे चाहिए थी। बालकनी व्यू, स्विमिंग पूल, लग्जरी सब कुछ इसके अंदर था। और ये सारी चीजें देखने के बाद मैंने सोच लिया था कि इस घर के तो मैं खरीद के रहूंगा। मैं प्रॉपर्टी डीलर से इसकी कीमत पूछता हूँ तो वो बोलने लगता है, ओहो सर लगता है ये आपको पसंद आ गया है, तो इसकी कीमत मैं अगर बताऊँ तो आपको ये मिल जाएगा पूरे 3 करोड़ रुपए में। वैसे तो इस प्रॉपर्टी डीलर ने काफी बड़ा मुंह फाड़ा था, लेकिन ये घर उस काबिल था तो मैं इस बात के लिए मान जाता हूँ। और फिर वो प्रॉपर्टी डीलर बोलने लगता है, ओह सर वेरी गुड वेरी गुड, तो एक काम कीजिए आप फ्राइडे को ऑफिस आ जाइए और हम सारा पेपर वर्क कर लेते हैं, फिर ये घर आपके नाम पे हो जाएगा। कांग्रेचुलेशन सर। मैं उसे थैंक यू बोलता हूँ और हम दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। घर तो मेरे पास वापस आ गया था, लेकिन अभी भी मुझे अधूरा अधूरा ही लग रहा था। और उस अधूरापन को एक ही जगह जाके पूरा किया जा सकता था। तो फिर मैं ड्राइव करता हूँ और सीधा पहुंच जाता हूँ अपनी ओल्ड वर्कशॉप में, जहाँ पे मैं अपने रिस्टोरेशन का बिजनेस किया करता था। पर यहाँ पे पहुंचने के बाद मुझे यहाँ पे मेरा चिरकुट दोस्त दिखाई देता है, जो वहाँ पे वर्कशॉप में ऑलरेडी प्रेजेंट था। मैं उसके पास जाकर उससे पूछता हूँ कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है। ये सुन के वो मुझे बोलने लगता है, तुझे क्या लगता है तू ही दूसरों के धंधे में घुस सकता है क्या? ये देख हम भी रेस्टोरेशन का बिजनेस शुरू कर दिए। देख KTM से लेके i20 से लेके लेजेंडर सब हम रिस्टोर कर दे रहे। ये देख के मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये लोग मेरी पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रहे थे। इस दुकान को मैंने फेमस किया था अपने रेस्टोरेशन से। अरे वाह भाई कैसा है, देख इस गाड़ी को रिस्टोर कर रहा हूँ, सब तुझसे ही सीखा है। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी वर्कशॉप को इनसे वापस लेके ही रहूंगा, जिसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना करना पड़े। मैं फटाफट जाके इस वर्कशॉप के ब्रोकर से मिलता हूँ और मैं उसे बोलने लगता हूँ, ये वर्कशॉप मुझे किराए पे चाहिए, अगर आपको 2 गुना किराया चाहिए तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। मेरी ये बात सुनके ब्रोकर बोलने लगता है, सर जी डबल छोड़िए, आप तो पिछली बार सिंगल किराया भी इसका दे नहीं सके, मैं कौन सी गारंटी पे फिर से आपको वर्कशॉप दूं? गारंटी के तौर पे मैं उसे अपने बैग से निकाल के कुछ नोट दे देता हूँ और पूरा के पूरा 5 लाख उसे एडवांस दे देता हूँ। ये देख के वो ब्रोकर फिर बोलने लगता है, ओ सर जी हो गया समझ लो, ये वर्कशॉप आपकी, घर आपको चाबी मिल जाएगी, डन। इसके बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और फिर मेरा चिरकुट दोस्त मुझे फिर से दिखाई देता है। तो मैं चिरकुट दोस्त के पास जाता हूँ और उसे बोलता हूँ, अपना सामान कहीं और शिफ्ट कर ले भाई, ये वर्कशॉप फिर से मेरी हुई। क्या बकवास कर रहा है बे, सुबह सुबह नशे करके आए क्या? चल फुट। थोड़ी देर बाद वो ब्रोकर भागते हुए आता है और बोलता है, दुकान खाली करो, ये लोग तुम्हारे पैसे वापस, चलो दुकान खाली करो, तो कल दुकान खाली होना मेरे को, निकलो यहाँ से वरना पुलिस कंप्लेंट डाल रहा हूँ। ये क्या हो गया? और फाइनली फिर अगले दिन मेरी वर्कशॉप मेरे पास आ गई थी। ट्रक का बिजनेस तो मेरा बढ़िया चल रहा था, तो मैंने सोचा जो रिस्टोरेशन बिजनेस है इसको मैं सिर्फ पैशन के तौर पे फॉलो करते जाऊंगा। जब रिस्टोरेशन की दिमाग बात में आई है, तो मैंने सोचा कि मैं उसी गाड़ी को रिस्टोर करूंगा जिससे ये सब शुरुआत हुई थी। तो मैं अपनी पुरानी S11 क्लासिक, जो जलपरी के चैलेंज की वजह से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसे अब रिस्टोर फिर से करने वाला हूं। लेकिन इस बार मैं इसका पूरी तरीके से लुक चेंज कर दूंगा। जब मैं इसके डिजाइन के बारे में सोच ही रहा था कि इसमें किस तरीके से रिस्टोर करना है, तभी मेरा फोन बजता है और फोन पे मेरा मैनेजर था और वो मुझे बोलने लगता है, सर काफी अर्जेंट डिलीवरी आई है, आपको आना पड़ेगा। मैं उसे बोलता हूँ कि कोई भाई इतने सारे ड्राइवर है, किसी से भी करवा दो डिलीवरी। तो वो मुझे बोलने लगता है, सर आधे ड्राइवर्स तो ऑलरेडी डिलीवरी में बिजी है और आधे ड्राइवर ईद की छुट्टी पे, ऑफर बहुत बड़ा है सर, प्लीज आ जाइए और डिलीवरी कर दीजिए, आप ही कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑफर बड़ा था, तो मैंने सोचा कि चलो यार एक ही डिलीवरी तो इतने दिन के बाद, चलो मैं ही कर सकता हूँ। तो मैं इस बात के लिए मान जाता हूँ और फटाफट भागते हुए अपने गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, ड्राइव करके मैं सीधा पहुंच जाता हूँ अपने ट्रक वाली साइड पे। साइड पे पहुंचने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा मैनेजर बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा था और फिर वो मुझे बोलने लगता है, अरे सर अच्छा हुआ जल्दी आ गए, 5 मिनट और लेट होते तो डील कैंसिल हो जाती। कुछ इलेक्ट्रिक वायर के बंडल्स है, इनको फटाफट ऊर्जा नगर पहुंचाने का है। मैं उसे बोलता हूँ, भाई फिक्र मत कर, ये काम तो मेरे बायात का खेल है, ये डिलीवरी मैं जल्दी से जल्दी कर दूंगा। ठीक है सर, मैंने सामान फुरियो के अंदर लोड कर दिया है। सामान को अच्छे से चेक करने के बाद फाइनली मैं ट्रक के अंदर बैठ जाता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और भाई साहब ये पहली बार था जब मैं फ्यूरियो चला रहा था। और ट्रक को स्टार्ट करके मैं फाइनली डिलीवरी के लिए निकल पड़ता हूँ। 2:30 बजे तक मुझे इस डिलीवरी को कंप्लीट करना था और मेरे पास अभी अच्छा खासा टाइम था, तो मैं नॉर्मल स्पीड पे अपने ट्रक को चलाने लगा। लेकिन मेरे पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं थी। हेलो जफर सुपारी, वो निकल चुका है। अब मेरा ट्रक नागपुर रोड पे आ गया था और सिर्फ 2 घंटे में हम ऊर्जा नगर में पहुंचने वाले थे। अब मैंने सोचा कि इतने दिनों के बाद लंबा सफर कर रहा हूँ, तो आराम से गाने सुनते सुनते सफर का मजा लेके जाऊंगा। मैंने तो शूट द ऑर्डर गाना लगा दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ लोग मुझे ही शूट करने के लिए निकल पड़े। हाईवे के बीच अचानक से मुझे 2 बुलेरो फॉलो करने लग जाते हैं। मुझे लगा यार कोई होंगे पुट्टे वगैरह मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन ये दोनों बुलेरो गाड़ियां मस्ती करने बिल्कुल भी नहीं आए थे। ये दोनों बुलेरो गाड़ियों पे शक तो मुझे तब हुआ कि जब ये गाड़ियां मुझे हर उस जगह पे फॉलो करने लगी जिस रास्ते पे मैं जाने लगा। मैंने अपना रूट चेंज किया तो उन लोगों ने भी अपना रूट चेंज कर लिया और मुझे अब कंफर्म हो गया था कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मैंने फिर फटाक से अपना ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन ये दोनों बुलेरो गाड़ियों भी कुछ कम नहीं थी, इन दोनों भी अपनी स्पीड बढ़ा दी और मुझे फॉलो करने लगे। ये दोनों बुलेरो किसकी थी इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन इस बात का आइडिया जरूर था कि अब मेरी जान को बहुत बड़ा खतरा है। वो रहा सामने, खत्म करते हैं इसे अब।
दोनों बुलेरो से लगातार मेरे ऊपर फायरिंग शुरू हो गई थी और मैंने अपने ट्रक को बचाने के लिए पैनिक में लेफ्ट टू राइट मूव किए जा रहा था। मेरे ट्रक पे काफी सारी गोलियां लग रही थी जिसकी वजह से मेरे ट्रक पे अच्छा खासा डैमेज आ रहा था। उक साले, कहां जाएंगा, कब तक बचेंगा? पहले तो उन्होंने मेरे ट्रक के ऊपर खूब सारी फायरिंग की, लेकिन जब उन्हें लगा कि फायरिंग से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो मेरे ट्रक को अपनी गाड़ियों से ठोक मारने लगे। लगातार मेरे ट्रक को एक एक करके बम किए जा रहे थे जिसकी वजह से मेरा ट्रक काफी बार अनबैलेंस होते होते बचा। उन्हें खुद की जान की परवाह भी नहीं थी क्योंकि वो लिटरली अपनी बुलेरो को मेरे ट्रक के अंदर भिड़ा दे रहे थे और वो लोग किसी भी तरह बस मुझे मारना चाहते थे। काफी देर तक ऐसी मतभेद चलती रहती है, फिर उसके बाद उनमें से एक बंदा फिर से मेरे ट्रक के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और मेरे ट्रक को बहुत ज्यादा डैमेज आ रहा है। मैंने भी अब सोच लिया था कि अपने ट्रक को बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं अपने ट्रक को हल्का सा स्लो करता हूँ और जैसे ही वो दूसरी बुलेरो मुझे टक्कर मारने के लिए सामने आती है, मैं उसे ही टक्कर मार देता हूँ। वो पूरी तरीके से इसकी वजह से घूम जाती है। इस बुलेरो को मैंने सक्सेसफुली टेकडाउन कर दिया था, पर दूसरी बुलेरो अभी भी बाकी थी। वो दूसरी बुलेरो वाला काफी बौखलाया हुआ था क्योंकि मैंने उसके साथी को भाई बहुत बुरी तरीके से पछाड़ दिया था, तो वो मेरे ट्रक को और जोर से टक्कर मारने लगा। मेरे ट्रक को उसने लगभग डिसबैलेंस कर दिया था और मेरे ट्रक भी अब जवाब देने लगा था, पर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो बुलेरो वाला एक ऐसी गलती कर जाता है जिसका मैं फायदा उठा लेता हूँ। मेरे ट्रक के राइट साइड में आ गया था और मुझे वहां से लगातार टक्कर मारे जा रहा था और इसी चीज का मैंने फिर से फायदा उठाया, अपने ट्रक को हल्का सा ब्रेक मारा और मेरे ट्रक से टकराती है उसकी बुलेरो डिसबैलेंस होकर पलट गई और मैंने दूसरे बुलेरो को भी टेक डाउन कर दिया। अब फाइनली ये लोगों से मेरा पीछा छूट गया था और मैं अपने रास्ते निकल पड़ता हूँ डिलीवरी करने के लिए। अब शाम हो गई थी और मैं ऊर्जा नगर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था, पर मैं अभी भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। मुझे पता नहीं था कि ये लोग मुझे मारना क्यों चाहते थे और इन्हें किसने भेजा था। मैं रोड पे चारों तरफ नजर बनाया हुआ था, मुझे सिर्फ बल्ला शाह वर्धा पैसेंजर के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रही थी। उन सब लोगों के वार बेकार तो गए लेकिन मेरे ट्रक को अच्छा खासा डैमेज हो गया था। लेकिन फिर मुझे सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे मेरे होश उड़ जाते हैं। एक बंदा सड़क पर रॉकेट लॉन्चर लिए हुए खड़ा हुआ था और उसका निशाना सीधा मेरे ट्रक के ऊपर था। ये देखते मैं फटाक से ब्रेक लगा देता हूँ, लेकिन बुलेरो वाले ने जो मेरे ट्रक को डैमेज किया था उसकी वजह से मेरे ब्रेक्स फेल हो चुके थे और मेरा ट्रक सीधा जा रहा था उस बाज़ूका वाले की तरफ। मेरा दिमाग अब बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था और उस रॉकेट लॉन्चर से बचने के लिए मैं अपने ट्रक को लेफ्ट साइड में मोड़ देता हूँ, जिसकी वजह से मेरे ट्रक का पूरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। मेरा ट्रक 2 सेकंड तक हवा में था जिसकी वजह से मैं बुरी तरीके से घबरा गया था। एक एक करके सारी चीजें तबाह होने शुरू हो जाती है और बुरी तरीके से मेरे ट्रक का एक भयंकर वाला एक्सीडेंट हो जाता है। साला, इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद आखिरकार मेरा महिंद्रा फ्यूरियो अपना दम तोड़ देता है। सामान और ट्रक दोनों बर्बाद हो चुके थे और मैं कोने में हैरान, परेशान और शौक होकर यही सोच रहा था कि ये सब मेरे साथ आखिर क्यों हो रहा है, मैंने अब किसका क्या बिगाड़ दिया। पर फिर मेरी नजर ऊपर जाती है और मुझे दिखाई देता है रॉकेट लॉन्चर वाला बंदा जो सड़क पे खड़ा हुआ था, और फिर वो मेरे पास आके मुझे बोलने लगता है, दूसरों के धंधे में बेटा नहीं घुसना चाहिए वरना जफर सुपारी को सुपारी मिल जाती है। वो मेरे ऊपर रॉकेट लॉन्चर तान देता है और वो मुझे बोलता है कि वो मुझे खत्म करने आया है। कोई आखिरी ख्वाहिश बच्चे? और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। एक्सीडेंट की वजह से मैं ऑलरेडी घायल था और मैं वहां से भाग भी नहीं सकता था। मैं समझ गया था कि ये मेरा आखिरी टाइम है, तो मैं बस बैठे बैठे अपनी मौत का इंतजार करने लगा। तो फिर इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्दी आ रहा है, जल्दी से आप 12,000 लाइक कर दो, जल्दी पार्ट 2 आ जाएगा। और अगर और जल्दी पार्ट 2 चाहते हो तो जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 लिख दो भाई, फटाफट आ जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।